नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम ने तो आपने देखिए सिंपल टेक्निक चैनल आपके वाले सिंपल टेक्निक चैनल स्वागत है। फ्रेंड्स आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है, अभी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चाहे कि अगर आपका यूट्यूब चैनल बहुत पुराना भी हो, आप अगर यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ को कहीं भी पोस्ट नहीं कीजिए फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, और खास करके उस ईमेल आईडी से तो एकदम नहीं, जिस ईमेल आईडी से आपका चैनल खुला हुआ है उसमें क्या बाद में मोनेटाइजेशन को भी प्रॉब्लम होती है, कम्युनिटी गाइड के खिलाफ है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिसने बोला है कि आप यहाँ शेयर कीजिए, 10 लोगों को शेयर कीजिए तब आपका चैनल ग्रो होगा। सारे यूट्यूबर बड़े बड़े यूट्यूबर ने बोले हैं, एक दो कुछ गिने चुने हैं जो बोले हैं फ्रेंड्स। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप अपने वीडियो को कहीं भी शेयर नहीं करें, ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। अगर आप अनदर सोर्स अप्लाई करते हैं अगर, तो इसमें मोनेटाइजेशन में आपको आ सकती है प्रॉब्लम। इसमें मैंने एक वीडियो में मेरा तो वीडियो डिलीट हो गया, मैं दिखा नहीं सकता हूँ। मैंने एक वीडियो, मैं कभी अपना यूट्यूब वीडियो किसी को शेयर नहीं करता फ्रेंड्स, पर हाल फिलहाल मैंने एक वीडियो बनाया, अच्छा वीडियो बनाया था कस्टमाइजेशन को लेकर, मैंने दोबारा वो पोस्ट किया, वो वीडियो बनाया था। बट वो वीडियो मैंने क्या किया था कि फेसबुक में, व्हाट्सएप में, बहुत जगह मैंने उसको पोस्ट किया। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूब ग्रुप थे जिसमें 434K था, उसमें मेरा व्यूज़ अच्छा खासा आ गया था फ्रेंड्स। बट वो वीडियो मेरा अचानक देखता हूँ, दिस वीडियो इज़ नॉट अवेलेबल बता रहा है मेरा, पता नहीं क्यों क्या वो प्रॉब्लम। ऐसे मैंने उसको अनदर सोर्सेस से काफ़ी, हाँ सिर्फ आप अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं गूगल एडसेंस थ्रू, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आप अपनी वीडियो प्रमोट कीजिए। मैं बता रहा हूँ वीडियो में बना के कि किस तरह से आप कैंपेन बनाए गूगल एडवर्ड्स अपने वीडियो प्रमोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बाकी मैं अनदर सोर्सेस नहीं बोलूँगा फ्रेंड्स, हाँ यूट्यूब से और गूगल एडवर्ड्स से दो जगह से आप अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। और बाकी जगह से अगर अपने यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करते हैं, हो सके आपका वो वीडियो तुरंत डिलीट हो जाएगा अगर कुछ ऐसा कुछ होगा रेस्ट्रिक्शन। पता नहीं मेरे वीडियो में क्या रेस्ट्रिक्शन था, चेकिंग इंस्टिल पर बताया गया था, और उसके चेक स्टिल रनिंग पे था कुछ देर, उसके बाद मैं देखता हूँ वीडियो डिलीट हो गया मेरा, क्योंकि मैं बहुत अनदर सोर्सेस यूज़ किया था। ऐसे वीडियो कंटेंट मेरा था, हमेशा चैनल पे कंटेंट मेरा रहता है, वीडियो मेरा था, सब कुछ मेरा था फ्रेंड्स, बट वो वीडियो मेरा डिलीट हो गया, मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम था। फिर बाद में मैं वो वीडियो पोस्ट किया हुआ, तो मैं एक यूट्यूबर के नाते आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे गलती मत कीजिए फ्रेंड्स, आपका वीडियो डिलीट हो सकता है, या फिर अगर अभी आपका प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो बाद में आपका प्रॉब्लम आ सकती है फ्रेंड्स, आपके मोनेटाइजेशन या फिर आपका गूगल एडसेंस में कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स। आप एक बार कम्युनिटी गाइडलाइन को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अनदर सोर्सेस आप प्रमोट नहीं कर सकते, उसमें आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बस यही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना था, आप इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और भी अगर किसी बात किसी को ये वीडियो अगर जानना हो तो उसको भी बता दीजिएगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना फ्रेंड्स, जय हिंद।